हमारे देश में गरीबों व अमीरों के बच्चों का एक साथ पढ़ने का इतिहास काफी पुराना रहा है। द्वापर युग में कृष्ण सुदामा का एक साथ पढ़ना उसका प्रमाण है। आगरा प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन ने जरूरतमंद बच्चों के शिक्षा के लिए कृष्ण सुदामा निःशुल्क शिक्षा योजना की शुरुआत की है। सोमवार को आपदा के पदाधिकारियों ने निःशुल्क शिक्षा की जानकारी देते हुए योजना के पोस्टर का विमोचन किया। संस्थापक डॉक्टर सुनील उपाध्याय ने बताया कि आपदा द्वारा जिले व ग्रामीण जनपद में संचालित 500 से अधिक शिक्षण संस्थानों में कृष्ण सुदामा निःशुल्क शिक्षा योजना लागू की जाएगी। इसका लाभ जरूरतमंद अनाथ, गरीब, बेसहारा और स्कूल जाने में असमर्थ बच्चों को मिलेगा। कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक के बच्चों के शिक्षा का खर्चा संस्था उठाएगी और निःशुल्क शिक्षण सामग्री भी आपदा द्वारा मुहैया कराई जाएगी। अध्यक्ष डॉक्टर मोहित दीक्षित ने बताया कि हमारा प्रयास है मलिन बस्तियों में शिक्षा से वंचित बच्चों में शिक्षा की अलग जगाई जाए और नजदीकी स्कूल या हमारे शिक्षण संस्थानों में बच्चों का दाखिला कराया जाए। जो जरूरतमंद बच्चे स्कूल की फीस के बाद कोचिंग की फीस देने में असमर्थ है, उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष वैभव बसल, सीए पूनम अग्रवाल, रोहित दीक्षित, नितिन मित्तल, उमेश टिन्ना, संतोष गुप्ता, अनिल रजवानी, अंकुर जैन आदि मौजूद रहे। आपका संस्था जो शिक्षक संस्थान का ग्रुप है, इसके माध्यम से आज कृष्ण सुदामा शिक्षा योजना का पोस्टर का विमोचन है। इसके तहत हमने कैटेगराइज किया है जो बच्चे अनाथ हैं, गरीब हैं और जरूरतमंद हैं, उनको आपदा से संबंधित शिक्षक संस्थान में निःशुल्क शिक्षा दी जाए। साथ ही जो मलिन बस्तियों में रहने बच्चे हैं, जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको फाइंड आउट करेगी हमारी एक टीम और उनको उनके आसपास के स्कूलों में एडमिशन करा के उनको कॉपी किताबें उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा जो बच्चे अनाथ हैं, पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने अपने शिक्षण संस्थान में निःशुल्क शिक्षा का प्रोग्राम रखा है। इसमें हमने कई टीमें बनाई है, ये टीमें अलग अलग टीम अलग स्तर पर काम करेगी। साथ ही जहां मलिन बस्तियां हैं वहां बच्चे एजुकेशन का अभाव करते हैं, ऐसे में वहां हम एक शिक्षक को अपॉइंट करके वहीं बच्चों को उन्हीं एरिया में वहां अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सर यहाँ मैंने एक वर्ड बोला आपको, जरूरतमंद केवल वर्ड नहीं है, बहुत कुछ आता है। अगर उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, मान लीजिए वो बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ता है लेकिन स्कूल में ना समझ में आ रहा है, ऐसे में हम अपने शिक्षण संस्थान उससे निःशुल्क ट्यूशन भी देने को तैयार है, जिससे कि बच्चे का भला, बच्चा आने से रहे, क्योंकि शिक्षा कहीं समाज के हम पैटर्न में नहीं कर सकते। बेहतर जो प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड कर रहे हैं उससे और अच्छा होगा हमारा शिक्षा। ये कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं, जो हम स्तर की बात करें, हम इतना अच्छा कर सकते हैं। सर हमारी संस्था देहातों में भी है, अलग अलग एरिया में भी, जहाँ शिक्षक संस्थान है वहां हमारे अपने लोग हैं, आप ताकि मैं बताए, वहां भी सेम तरीके से जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको इन शिक्षक संस्थान में एडमिशन कराया जाएगा। और ये आगरा प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन द्वारा जो निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा योजना स्टार्ट करी है, ये गरीब बच्चों के लिए करी गई है और सबसे ज्यादा जरूरतमंद। इसका उद्देश्य एक है कि पढ़ाई पैसों के लिए रुकनी नहीं चाहिए, पैसे जिन जिन बच्चों के पास फाइनेंशियली पैसे नहीं आए या उनके पास इस तरीके का नहीं है कि वो अपनी फीस भर सकते हैं या उनकी पढ़ाई पैसों की वजह से रुक रही है, तो वो रुकनी नहीं चाहिए। हमारी आपदा का यही सोच है कि हर बच्चा पढ़ना चाहिए जिससे देश का विकास हो। अगर हमारे थ्रू ऐसा कुछ कुछ भी योगदान हो सकता है तो हमारे आपदा का भी अच्छा होगा और बहुत ही बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, उनका फ्यूचर बनेगा। तो पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पैसे की जरूरत, कोई भी किसी भी जरूरत कैसा भी जरूरतमंद है उसकी, गरीब बच्चों की पूरी किताबें उसका मदरसा उसे कराई जाएंगी, स्कूलों में उसको एडमिशन कराया जाएगा और उसे हमारे प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाएगी, जिससे वो ये ना सोचे कि मैं गरीब हूं तो मैं पढ़ नहीं सकता। वो अगर गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छे तरह कुछ बनना चाहता है और आगे चल के कुछ बनेगा तो हमें इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका माध्यम यही है कि कोई भी बच्चे सोचते हैं कि हमें कुछ बनना है, आजकल विकास है बच्चों का, टैलेंट बहुत है बच्चों में,
टैलेंट कभी गरीब या अमीर देख के नहीं होता, गरीबों में गरीब बच्चों में भी बहुत टैलेंट है, पढ़ने की इच्छा है, तो उनका विकास हो आगे चल के, वो कुछ बेहतर नौकरी करें और देश को कुछ दे सके और ये हमारी अब तक भी होगा तो बहुत ही हमें अच्छा लगेगा। पहले दस जी की बात की बिल्कुल हर क्षेत्र में हमारी आगरा में कोचिंग है, तो कोई भी रीजन हो कोई भी हो हर जगह पे है, हर जगह टीचर उपलब्ध है और हर जगह भले वो पन्ना नगर क्षेत्र का हो चाहे वो सिकंदरा क्षेत्र का हो उसे हर जगह उसी शिक्षा दी जाएगी और बहुत ही बेहतर शिक्षा दी जाएगी।